सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के अंदर रिसर्च पेपर डिज़ाइन की कि किस तरीके से किया जाता है और इसके क्या क्या स्टेप हैं, और उसके बाद हम करने वाले हैं वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सिंपोजियम। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से आज तक काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च पेपर डिज़ाइन की, यानी कि शोध पत्र क्या होता है और ये किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा और आप चाहे तो ये लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हिंदी में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको आसानी से समझाऊँगा। देखिए रिसर्च पेपर क्या होता है, जब भी कोई स्टूडेंट MPhil या PhD में एडमिशन लेता है तो उसे PhD में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। रिसर्च पेपर हम कह सकते हैं कि 5 पेज से लेकर 10 पेज तक का भी हो सकता है या इससे कम ज़्यादा थोड़े बहुत पेज हो सकते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये एक पत्रिका में या फिर हमारे कोई भी सेमिनार वगैरह है उसके अंदर हमें प्रेजेंट करना होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर कोई और किसी भी तरह की रिसर्च के बारे में हम अपने विचार लिखते हैं, भी किस व्यक्ति ने क्या काम किया है और हम क्या करने वाले हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर, यानी कि अपने विचार उसके अंदर हम प्रकट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसका जो शोध पत्र होता है दोस्तों, इसकी कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता कि ये इस तरीके से लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, कोई स्पेसिफाई नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान दिया जाता है। एक होती है प्रस्तावना होती है, उसके बाद में विषय वस्तु या जिसे हम बॉडी कह सकते हैं मुख्य अंग होते हैं, उसके बाद होता है दोस्तों शोध के प्रमुख निष्कर्ष। अब इन्हें थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्या होता है, शोध की समस्या की स्पष्ट रूप में परिभाषा दी जाती है, यानी कि जो शोध हम करने वाले हैं या कर रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और ये चीज़ आपको पहले भी पता है, शोध का प्रमुख हास्य प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी जो शोध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास विषय वस्तु, उसके अंदर क्या होता है, शोध प्रपत्र का रूप रचनात्मक तथा आलोचनात्मक होना चाहिए। अब ये चीज़ 2 चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये जो हमारा शोध पत्र होता है दोस्तों वो क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और आलोचनात्मक होना चाहिए, यानी किसी बंदे ने पहले जो काम किया है उसकी हमें आलोचना करनी चाहिए, यानी कि हमें ये समीक्षा का और आलोचना का थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ कि जो उसने काम किया उसकी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बातों का हमें जिक्र करना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी के अच्छे और बुरे कामों को का अवलोकन करना क्या कहलाता है, आलोचना कह सकते हैं या फिर समीक्षा कह सकते हैं। अब देखिए प्रपत्र के रचनात्मक पक्ष में शोध की प्रमुख क्रियाओं को क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जो होता है रचनात्मक क्रिएटिविटी वाला जो पक्ष होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसमें शोध की प्रमुख एक्टिविटी होती है उनको हम लिखते हैं। और अब देखिए आलोचनात्मक पक्ष में शोध में कार्य एवं निष्कर्षों का विवेचन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वही बात है कि आलोचनात्मक पक्ष में क्या करते हैं कि जो कार्य किए हैं, जो निष्कर्ष निकले हैं उन पे हम विचार करते हैं, भाई ये निष्कर्ष सही है या गलत है, किस तरीके से है। और आगे है कि इस अंक का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जो कुछ शोध में किया है उसको प्रस्तुत किया जाए, यानी कि सारी बातें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं कि क्या हुआ है रिसर्च के अंदर। अब
अब देखिए शोध निष्कर्ष, लास्ट में शोध निष्कर्ष होता है, उसमें क्या होता है यानी कि इसके अंदर हमने जो रिसर्च किया उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष हम देते हैं कि हमने ये किया है, यानी कि उसका रिजल्ट हम देते हैं। और आगे क्या होता है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अब देखिए आगे आता है हमारे पास कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है दोस्तों, कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम फिजिकल कह सकते हैं या फिर मेंटली एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं और हम बातचीत भी करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि सबसे मेन जो चीज़ होती है दोस्तों कार्यशाला के अंदर वो होती है एक्टिविटी की होती है, वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है, यानी कि प्रायोगिक कार्य को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अधिकतर कार्यशालाएँ निमंत्रित सदस्यों द्वारा आरम्भ की जाती है, यानी कि इसके अंदर पहले इन्वाइट किया जाता है लोगों को, तब जाके वर्कशॉप हमारी स्टार्ट होती है। और यहाँ पर आप पूरे आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, ये नोट्स आपको दे दिया जाएगा जो हमारे पेड मेंबर है उनको दे दिया जाएगा। और हम देखते हैं दोस्तों आगे इसके अंदर क्या होता है। आगे आते हैं दोस्तों, हमारे पास सेमिनार आता है, सेमिनार संगोष्ठी भी कहते हैं, इसमें से भी कई क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमें कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक तो होती है हमारी संगोष्ठी यानी कि सेमिनार, और दूसरा होता है हमारा कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इनमें हम थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी। संगोष्ठी क्या होती है दोस्तों, एक जैसे एक कमरा है, कमरे में 30 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या होगी दोस्तों, संगोष्ठी या सेमिनार कह सकते हैं हम उसे। और जो कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है दोस्तों, वो होता है बड़े लेवल पे होता है, यानी कि जैसे रैली कह सकते हैं हम, नेता लोग जो रैली करते हैं उसमें हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, और अब हम देखते हैं इनमें ये क्या कहना चाहता है। ये देखिए कि संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर की जाती है। अब आई बात समझ में दोस्तों, कि जो सेमिनार होता है वो छोटे स्तर पर होता है, जैसे कि उसके अंदर 30 से 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन जो होता है, वो बहुत बड़े लेवल पर होता है, उसमें हज़ारों लोग होते हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों, संगोष्ठी अधिक सीमित एवं औपचारिक प्रकृति की होती है। अब देखिए जो सेमिनार होता है उसमें सीमित लोग होते हैं, वही बात आ गई कि इसमें सम्मेलन की तरह हज़ारों लोग नहीं होते, इसमें लिमिटेड लोग होते हैं, और ये औपचारिक प्रकृति की होती है। अब देखिए औपचारिक यानी कि फॉर्मल तरीके की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल और औपचारिक अनौपचारिक में हमें पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आए हैं पहले। अब देखिए इसका मतलब क्या है, औपचारिक प्रकृति की होती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान के चलते कि सेमिनार के अंदर हमारे पास 50 लोग हैं, ठीक है, तो जब हम सेमिनार कर रहे हैं तो उन 50 लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आंखों में आंखें मिला के बातें कर सकते हैं 50 लोगों के साथ, हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी औपचारिक होगी, उसके अंदर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो हमारे सदस्य हैं उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, औपचारिक प्रकृति कहेंगे, ठीक है। हमारा सम्मेलन जो होता है, सम्मेलन में जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये विस्तृत एवं अनौपचारिक प्रकृति का होता है, इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है, एक तो बड़े लेवल पे होता है, हो सकता है उसके अंदर 1000 लोग हो, यानी कि बड़े लेवल पे होगा, और अनौपचारिक प्रकृति का कैसे होगा, इसके अंदर देखिए जब 1000 लोग होंगे, जगह जगह बैठे हुए हैं, तो हम उन सभी के साथ ना ही तो अच्छे से आंखों में आंखें मिला सकते, ना ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते, और कोई पीछे जो बंदा बैठा है वो क्या बात कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, हमें नहीं पता, यानी कि इसके अंदर जो है हम अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर सकते, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, अनौपचारिक प्रकृति का होगा, इनफॉर्मल होगा।
ठीक है। और इसमें से यही क्वेश्चन आए थे दोस्तों पहले बार कि जो सम्मेलन है वो औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, वो वाइड होता है या स्मॉल होता है, किस तरीके से होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद रखना ज़रूरी है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, यहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और अगर किसी दोस्त को कोई भी बात समझ में ना आए तो वो हमसे पूछ सकता है फिर भी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सम्मेलन समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय को एक समान उद्देश्य के लिए सलाह, मशविरा एवं परिचर्चा करने को कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लोग आते हैं मंच के ऊपर और वो अपना ज्ञान, अनुभव, अपने विचार, भावनाएं और जो राय होती है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, यह एक प्रकार की सभा होती है जहाँ सदस्य अपने ज्ञान का संग्रह करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ थोड़ी समझने की है, यहाँ पे ज्ञान का संग्रह करते हैं। अब सम्मेलन के अंदर क्या है कि हज़ार लोग आए हुए होंगे, ठीक है, तो हज़ार के हज़ार लोग तो उसके अंदर नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे 10-20 लोग बोलेंगे और जो और लोग हैं वो ज्ञान का संग्रह करेंगे, यानी कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उनका संग्रह करेंगे। ये थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस होता है। और लेकिन सेमिनार जो होता है, सेमिनार के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी, यही क्वेश्चन पेपर में आती है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्या है, आगे है दोस्तों हमारे पास परिसंवाद यानी कि सिंपोजियम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना हो तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आपस में बैठकर उस विषय पर वार्तालाप करना होता है, ठीक है। यानी कि परिसंवाद के अंदर क्या होता है कि काफ़ी लोगों को बैठकर किसी समस्या के ऊपर एक निर्णय लेना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिसंवाद या सिंपोजियम कहते हैं। इस वार्तालाप को परिसंवाद का नाम दिया जाता है। विस्तृत अर्थ के रूप में परिसंवाद सामूहिक निर्णय लेने की एक तकनीक है। यानी कि वह आगे ना, यानी कि जो ग्रुप के अंदर कोई निर्णय लेना, कोई डिसीजन हमें लेना है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिसंवाद कहेंगे, जिससे अधिकांश अथवा सभी लोग उस निर्णय के पक्ष में हो। यानी कि हमें ऐसा डिसीजन लेना होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पक्ष में हों। तो ये चीज़ होती है दोस्तों इसके अंदर। और इसके जो इवनिंग का जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों इनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या जवाब देना है। अब सबसे लास्ट में आता है दोस्तों हमारे पास शोध प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं एवं प्रारूप। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये गलती है इस नाम की, ये दोस्तों फॉन्ट चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों, जब हम पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो सै का शय बन जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे शोध प्रबंध यानी कि रिसर्च डेजर्टेशन तथा थीसिस राइटिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि थीसिस और डेजर्टेशन क्या होती है, शोध प्रबंध क्या होता है। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध प्रबंध डेजर्टेशन या थीसिस कहलाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो पीएचडी स्टूडेंट अपने पीएचडी लिखता है, कंप्लीट करता है, जो एक ग्रंथ या एक जो बुक बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। उसने जो रिसर्च की होती है उसका उसके अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, उसने क्या काम किया है, कौन से जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए हैं और क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है, यानी कि इसी के द्वारा व्यक्ति को पीएचडी की डिग्री दी जाती है। और भी इसमें अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एमफिल तथा पीएचडी की डिग्री के लिए किसी स्वीकृत विषय पर तैयार की गई किताब जिसमें तथ्य संग्रहित रहते हैं। अब वही बात आ रही है दोस्तों, एमफिल और पीएचडी करने के लिए जो हमें एक बुक टाइप में लिखनी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे थीसिस राइटिंग या रिसर्च डेजर्टेशन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर किस तरह से काम होता है और इसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या स्टेप होते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, एक प्राइमरी पोस्ट यानी कि जो नंबर वन जो स्टेप होता है, और फिर होता है मेन बॉडी ऑफ थीसिस राइटिंग। इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें आती है, जो भी हमने काम किया है वो है,
और फिर होता है वीडियोग्राफी। अब देखिए इनको हम थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं हर एक स्टेप को। अब देखिए जो मेन सबसे पहला जो पार्ट होता है प्राइमरी पोस्ट होती है, उसके अंदर क्या होता है, हम जो टाइटल पेज लिखते हैं उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसका टाइटल क्या है, और उसके अंदर अपना नाम वगैरह भी आता है, और उसके अंदर वो भी लिख सकते हैं कि हम किसके अंडर पीएचडी कर रहे हैं, अपने विश्वविद्यालय का नाम वगैरह आता है। उसके बाद होता है दोस्तों अप्रूवल लेटर, यानी कि जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं थीसिस, तो हमें एक अप्रूवल लेटर लेना होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो होता है इसके अंदर। फिर होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में ये होता है कि हमने जो चैप्टर बना रखे हैं कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर, जैसे हम बुक के अंदर किताब के अंदर देखते हैं कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा लेसन दिया हुआ है, वही इसके अंदर होता है। और फिर होते हैं दोस्तों एनोलेजमेंट, यानी और फिर लिस्ट ऑफ टेबल, यानी कि हमने कौन कौन सी टेबल यूज़ की है, वो होता है इसके अंदर। और फिर लिस्ट ऑफ ग्राफ, यानी कि हमने अगर कोई ग्राफ वगैरह बना रखा है तो वो इसके अंदर डालेंगे। लिस्ट ऑफ प्लेट, यानी कि जो चित्र वगैरह जो भी हमने यूज़ किए वो इसमें डालेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों समरी, यानी कि ये जो होता है इस पेज की समरी आती है उसके अंदर लास्ट में। अब देखिए अगला पार्ट आता है नंबर दो पे हमारे पास, मेन बॉडी ऑफ थीसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन देते हैं, जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। और उसके बाद तो आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि जो हम पीएचडी करने वाले हैं इस पे क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या लोगों ने काम किया है, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद में रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो हमने डेटा किया है लिया है उसका हम विश्लेषण करते हैं। फिर हम इसके अंदर रिसर्च अचीवमेंट वगैरह देखते हैं, यानी कि शोध की हमारी उपलब्धियाँ क्या क्या है और क्या निष्कर्ष निकला है, और उसको जनरलाइज करते हैं हम। उसके बाद आता है सजेशन एंड रिकमेंडेशन, यानी कि हमने जो रिसर्च की है उससे हम क्या सजेशन देना चाहते हैं लोगों को, वो इसके अंदर आएगा सजेशन के अंदर। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारे पास वीडियोग्राफी एंड इंडेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले होता है रेफरेंस, फिर होता है अपेंडिक्स, फिर होता है इंडेक्स, और फिर होता है एब्रीवेशन। अब देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से होता है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। रेफरेंस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई है, यानी कि हमें अपनी थीसिस लिखने के दौरान कुछ बातें किसी दूसरी बुक से किसी राइटर की उठानी पड़ती है, तो वो हमें रेफरेंस के अंदर देनी होती है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि जो ए से शुरू होने वाले जो शब्द है वो क्या है, उनकी कौन से पेज नंबर पर क्या कंटेंट दिया हुआ है, वो होता है इंडेक्सिंग होता है। ये आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास इंडेक्सिंग और एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियोग्राफी दी जाती है, जिसके अंदर ये चीज़ें मुख्य रूप से होती है। और ये था हमारा दोस्तों शोध प्रबंध, यानी कि थीसिस राइटिंग। और दोस्तों अगर इसमें से आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको पता है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया